प्रशिक्षित टीचर्स तैयार करने के मकसद से संचालित होने वाली बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले में 1 अगस्त से शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया 20 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए 4 हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। बीएड में प्रवेश के प्रथम चरण को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। महाकौशल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में इसके लिए विधिवत एक हेल्प सेंटर भी बनाया गया है, जहां प्रवेश के लिए आने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जा रहा है, वहीं उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाने की अनिवार्यता भी रखी गई है। जिले में प्रथम चरण 1 अगस्त से शुरू हुआ है, जिसकी प्रक्रिया 20 अगस्त तक चलेगी। बीएड में प्रवेश के लिए साइंस कॉलेज, महाकौशल कॉलेज, मान कुमार वाई कॉलेज में भी हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। किस बात को लेकर आज देश में ट्रेंड टीचर तैयार हो सके, इस उद्देश्य से NCTE ने ये पाठ्यक्रम आयोजित किया है। और ये बीएड बीएससी बीएड एमएड ये पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और NCTE के रेगुलेशन के आधार पर जो प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं, उसी सिद्धांत के आधार पर बीएड प्रवेश का नियमों का पालन किया जा रहा है, उसी के आधार पर प्रवेश किए जा रहे हैं। और ये प्रवेश 3 चरणों में संपादित किए जाएंगे। प्रथम चरण 1 से लेकर के और 20 तक इसकी प्रवेश प्रक्रिया जारी है। 20 अगस्त तक चलने वाली बीएड प्रवेश की प्रक्रिया में विद्यार्थी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षित टीचर्स तैयार करने के मकसद से बीएड का कोर्स संचालित किया जाता है।